तो भाई गोवा से पुणे जाते वक्त हम रुके कोल्हापुर में। हेलो, मैं सागर और आज मैं हूँ कोल्हापुर में। दोपहर में कोल्हापुर पहुँचने के बाद आज का पूरा दिन मैं यहाँ पे घूमने वाला हूँ और ये पता करने की कोशिश करूंगा कि क्या खास है इस शहर में। तो पहले हम जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। जी हाँ, हिस्ट्री से आई मीन म्यूजियम ओनली। और यही हमारा आज का पहला लोकेशन है, दी न्यू पैलेस। तो यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा जो कॉस्ट करता है अराउंड 40 रुपीज पर पर्सन। बाकी यहाँ के टिकट काउंटर से पैलेस वाले रास्ते काफी खूबसूरत है। तो अभी हम जा रहे पैलेस की ओर। ये मैं 8 साल के बाद फिर से आया हूँ ये जगह पे और एंट्रेंस ही आपको एक बड़ा सा ओल्ड स्ट्रक्चर दिख जाएगा एंड दैट इज़ न्यू पैलेस। इट्स ब्यूटीफुल राइट। तो अभी हम लोग न्यू पैलेस का जो म्यूज़ियम है वो देख के आए। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे पुराने ज़माने के कुछ डॉक्यूमेंट्स, आर्म्स, रॉयल फर्नीचर और स्टफ्ड वाइल्ड एनिमल्स की कलेक्शन है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही लाजवाब है और देखने में ऐसा लगता है कोई फॉरेन लोकेशन है। एक चीज़ है कि आपको अंदर जाने से पहले एक बोर्ड दिखेगा जो बोलेगा अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आई हाईली रिकमेंड यू टू कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि बहुत सही है एंड ठीक भी है यार। ये हेरिटेज वाली चीज़ है, ये आप अगर आके यहाँ पे जो फील लोगे ना वो मेरे वीडियो में फील नहीं आएगा। तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। अगर आप कोल्हापुर आ रहे हो तो अपने चेकलिस्ट में ऐड कर दो इसे। न्यू प्लेस के बाहर एक जू टाइप सेक्शन है जहाँ पे आपको हिरन और मोर देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आज और दो चीजें कवर करने, एक रंकाड़ा लेक और एक महालक्ष्मी मंदिर। तो हम लोग निकले अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो है दी फेमस महालक्ष्मी टेम्पल। पर टेम्पल पहुँचने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ओल्ड हेरिटेज वाली जगह है वो अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई है और किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट के काम में लिए जा रहे हैं। अभी आगे वाली कोल्हापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि KMC वाली बिल्डिंग ही देख लो। सिर्फ यही नहीं, दी म्यूजियम, न्यू पैलेस जो हमने देखा, शिवाजी यूनिवर्सिटी और ऐसे कई जगह है यहाँ पे। खैर वो सब तो आज में नहीं देख सकते, तो फिलहाल के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई अभी मास्क नहीं निकलेगा क्योंकि आगे पुलिस भी है और यहाँ पे भीड़ भी है। तो बात यूँ है, आपको पार्किंग लगाने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस है, बिंदु चौक जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पास में ही है और ये अपना मंदिर है। तो ये पुराना राजवाड़ा जो अभी महाविद्यालय बन गया है। तो इस राजवाड़ा को अलग अलग साइड्स है, ओपनिंग्स है, तो वहाँ पे एक डोर है और इस राजवाड़ा के अंदर फिर आपको जाके मिलता है मंदिर। तो महालक्ष्मी मंदिर के आसपास वाली जगह पे आपको ऐसे कई शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप एक कोल्हापुरी चप्पल देख सकते हो, परचेस कर सकते हो, जनरली जो कॉस्ट करता है 300-800 के बीच में, बट इट डिपेंड्स ऑन योर निगोसिएशन स्किल्स। यहाँ पे लाइन में लग के दर्शन के लिए जाने का एक अपना ही अलग मजा है। वैसे यहाँ पे भी मेन मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, पर भाई बहुत सही है एंड दिस शुड बी वन ऑफ द रीजन कि आप कोल्हापुर आना चाहिए और ये सब एक्सप्लोर करना चाहिए जैसे मैंने किया। मंदिर की खूबसूरती इतनी मेस्मराइजिंग है कि पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। और फिर हम भागे आज के अपने लास्ट के डेस्टिनेशन की ओर। जी हाँ, रंकाड़ा लेक। वैसे तो हमें यहाँ पे सनसेट देखना था बट लेट हो गए। फाइनली वी आर एट रंकाड़ा। सनसेट के पहले तो नहीं पहुंच पाए बट यस, सनसेट के बाद ही से हम रंकाड़ा पे। भीड़ काफ़ी है इसलिए थोड़ा एक थोड़ा खाली पैच लेके अपन बैठे हैं यहाँ पे। विल स्पेंड सम टाइम हियर एंड देन विल गो होम। यहाँ पे एक साइड में बच्चों के लिए एक प्ले जोन है, साथ ही में ऐसे कुछ राइड्स हैं जो फॉर श्योर रात में काफ़ी सही दिखते हैं। और अगर दूसरी साइड पे देखोगे तो भाई पूरा पूरा स्ट्रीट फूड स्टॉल्स है जहाँ पे आप अच्छे से फूड हॉपिंग कर सकते हो। अब तक काफ़ी थक चुके थे, गोवा टू कोल्हापुर का राइड और फिर ये तीन जगह, तो फिर हम खाना खाने के बाद निकले अपने होटल की ओर।
सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वो जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी ऑन कर दीजिएगा, तो क्या है ना, मेरे नए वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।